जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुजरात का पूरा फाटी इलाका मंगवल गरबी। अगर मंगवल गरबी की बात की जाए तो यहाँ से फ्रूट और सब्जी खरीदना गरीब आदमी की पोह से दूर हो गया। अगर फ्रूट की बात की जाए तो सेब का रेट, केले का रेट, अंगूर का रेट गरीब आदमी की पोह से दूर है। अगर दरोजे शहर मेरे साथ अहले इलाका मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। जी मेरी हुकूमत अगे आरजू है जी, जनाब मेहरबानी करो सब्जियां लैन जाइए, इन्ना कु मुल है कि असी गरीब आदमी शरीफ आदमी लै ही नहीं सकते। जे फ्रूट आ जाइए तो फ्रूट ओ भी महंगा है, कोई चीज हाथ नहीं पाउण देंदी। तुहाडी मेहरबानी है कि ये जरा ना इन्हां दा ध्यान करो तो साढ़े ते जरा मेहरबानी करके तो सामने गरीब आदमी बड़ा मुश्किल का गुजारा होता है। चीज लै जाइए, फ्रूट लै जाओ, सब्जी लै जाओ, प्याज लै जाओ, 400 थले कोई चीज अगर सारी करनी बच्चा खानी चाह लिया खानी चाह लिया मंगाई हाथ नहीं पा लिया। इस बड़े सारे परेशान है, मेहरबानी कर रहे हैं कोई साढ़े घर ना ही लाइस लै रहे हैं पूरी नहीं पै रही। इस वजह तो असं एक अपील करते हैं कि साड़ी मिल रहा कोई मतलब नहीं करना चाहेंगे, कोई किसी किस्म का गरीब आदमी कोई रिलीफ दिता गया, कोई किसी किस्म की महंगाई घटी नहीं, बंदा सही तरीके अच्छे तरीके कोई रख सके तो अच्छी चीज मिल सके। पर एक गुलाबपुर जो हर चीज मगर महंगी हर चीज बहुत और पंजाब की गरीबिया का मर्ज हुआ श्री साहब आज ने आज उन्होंने इकदार संभालिया उन्होंने तो तुम की तवक्कात रखते हो। मेरे हिसाब से कोई तवक्कात नहीं है किसी किस्म की गरीबिया किसी किस्म असी अच्छे मतलब पीस रहे हैं असी मन की खेती में बड़ी घूमत आई है कि हम घूमत अभी की ना कर कोई इस गरीब आदमी कोई रिलीफ नहीं गर्भवास नहीं कोई माड़े बंदे कोई पैकेज नहीं किसी किस्म का गरीब आदमी अच्छे तरीके अपना रोजे तरफ या सारी भी सही कर ये 150 लगी है तो 1500 रुपये कर गया तो वो उठी है तो थले नहीं होना वो कोई फर्क नहीं कोई मोटर से चीज घूमत है लै ही नहीं है असि किसी दुकान से चेक करिए चेक करिए किसी ने गया जो खराब करिए और बंदे का निकल हुकूमत ने की मैसेज देना चाहते हो। मैं ये देना चाहना खासकर जो मजदूर बंदे ने जो झाड़ी लाने लगती है नहीं लगती वो बेचारे किस तरह गुजारा करेंगे अगर वो नहीं करते उस चीज का नोटिस नहीं मिलने का मैं कह रहा हूँ इन्हें किस तरह गुजरेंगे। वो महंगाई के मुतालिक आपने आवाम की आवाज़ सुनी, उनकी पुरजोर अपील थी कि इदारा में रिलीफ दिया जाए और सब्जियों और फ्रूट में बिना